साथ बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर की। एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे लिए? वेजिटेबल चाहिए, बेसिकली वेजिटेबल का बनता हो, और इसमें हम लेंगे 2 kg वेजिटेबल। इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी पत्ते हैं धो धा के सब काट पीट कर डाल देंगे इसमें और सुखा लेंगे करीब अच्छे से, 2-3 दिन में सूख जाता है। गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लौकी, जो वाइट वेजिटेबल हैं वो ज़्यादा लेना है और ग्रीन और रेड वाले कम लेने। जैसे हमने गाजर 1 ही पीस ली है, 4-5 बीन्स ली है, पत्ता गोभी 1 kg और फूल गोभी 1 kg, लौकी हमने 1 kg, तो इस तरीके से लेना है। और बाकी ग्रीन वाले वेजिटेबल कम लेना है, ना तो वो हमारा वाइट नहीं बनेगा, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। तो ये देखिए, जो भी डंठल मंटल है साफ करके सब काट कर डाल देंगे इसमें। इस तरीके से हम काट लेंगे और वेजिटेबल को अच्छे से धो के फिर हमें इसको सुखा लेना है धूप में, 2-3 दिन में बहुत बढ़िया सूख जाता है। ये देखिए तो इसको हम धो के और बढ़िया सा सुखा लेंगे। और इसमें भी कुछ परसेंट अजिनोमोटो होता है, तो 100% श्योर नहीं होते हैं कि उसमें भी होता है, जो रेडीमेड वालों लेते हैं तो उसमें भी अजिनोमोटो होता है, तो बगैर अजिनोमोटो के ये नहीं बनता है। तो आप लोगों दिखाते हैं, हमने अजिनोमोटो लिया ये, और चलिए वेजिटेबल लिया हमने, 2 kg वेजिटेबल लिया है और इसको अच्छे से काट के सुखा लेंगे। और ये हमारे 200 ग्राम के आसपास में वेजिटेबल बचेगा, तो चलिए इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं और ये 4 से 5 दिन में बढ़िया सूख जाएगा। ये देखिए गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तो इस तरीके से लौकी, जो भी ये वेजिटेबल है हमारा, हमने इसमें डाल दिया है, सुखा लेंगे। और आप लोगों को कम बनाना है तो इतना ज़रूरत नहीं है, आप इसमें 100 ग्राम वेजिटेबल सुखा लें या 60 ग्राम 70 ग्राम ले लें और उससे बना लें। और हमारा ये 200 ग्राम है के आसपास वेजिटेबल होगा सूखने के बाद। ये देखिए, और अभी बताते हैं कितना है, तोलने के बाद बताते हैं कितना बैठ रहा है, तो आप लोगों बताएंगे। और ये देखिए, हमने इसको तोल लिया है वेजिटेबल सूखने के बाद, ये 190 ग्राम हो रहा है, मतलब वही 200 ग्राम हो गया। और ये देखिए, इसको हम पीस लेते हैं, पीसने के बाद में आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से इसको हमें रेडी करना है। अजिनोमोटो डाला हमने, अभी 1 टेबल स्पून डाला, 1 टेबल स्पून शक्कर डाली, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से पीस के छान लेंगे और छानने के बाद में एक बार और पीसना है। और आप लोग बताते हैं कि इसमें अच्छे से छान लेंगे और इसमें क्या, जो कि हमें अजिनोमोटो इसके अंदर, ये देखिए वापस हम इसको पीसेंगे, 300 ग्राम अजिनोमोटो, 2 टेबल स्पून इसमें वाइट पेपर, 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर और अजवाइन जरा सी 1-2 ग्राम बस, और नमक 2 टेबल स्पून, और अजिनोमोटो को हल्का सा पीस के डालना है, शक्कर को ऐसे ही मिलाना है और सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स कर देंगे सबको और हल्का सा मिक्सर में चला देंगे सारा मिक्स करके इस तरीके से। अभी मिक्सर में सारा डाल देंगे, वाइट पेपर जो हमने जितना जितना बताया वो हम मिक्सर में डाल देंगे, आप लोग दिखा रहे हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये देखिए शक्कर, और ये देखिए अजिनोमोटो लिया हमने इस तरीके से, 300 ग्राम अजिनोमोटो डालना है इसमें हमें, इस तरीके से पूरे मिक्स करके हम मिक्स कर देंगे, कर देते हैं आप लोगों के लिए। इसमें हमने जो लिया है अजिनोमोटो लिया है हमने, इसमें 300 ग्राम वाइट पेपर लिया हमने, 2 टेबल स्पून शक्कर ली है, 2 टेबल स्पून अजवाइन ली हमने, जरा सी नमक लिया हमने 2 टेबल स्पून, तो इस तरीके से। और ये जो कि वेजिटेबल था हमारा, ये 200 ग्राम था और कच्चा वेजिटेबल था जो वो 2 kg था, तो सूखने के बाद हमारा इतना बचा। तो इस तरीके से आप लोग रेडी कर सकते हैं। और मार्केट का भी आप लेंगे तो उसमें भी अजिनोमोटो होता है कुछ परसेंट, इसमें भी कुछ परसेंट है, इसमें कम है उसमें ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से आप लोग रेडी कर सकते हैं एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोगों अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करना। और ये करीब करीब हमारा जो बन गया है, ये बन गया है 550-600 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम तो वेजिटेबल ही था। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोगों अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना।
और आप लोगों लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, और इसमें हमने जो समर्थ वाले चैनल पे बर्फी डाली है बहुत गजब की बेसन की, वो ज़रूर देखना। अचार बहुत ही गजब का आप लोगों लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। और इसके अंदर हम आप लोगों येलो ग्रेवी, चॉप मसाला, मखनी ग्रेवी लिंक मिल जाएगी तो जाकर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया बढ़िया आइटम डाले हैं, तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और आप लोग बनाकर ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा बना। एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर कुछ % आपका मार्केट